गुड मॉर्निंग टू आवर स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट सी, चैप्टर नेम इज हेल्पफुल लिविंग। नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फर्स्ट जो हमारे पास चैप्टर का नेम है, चैप्टर नेम इज हेल्थ फुल लिविंग। हेल्थफुल लिविंग क्या होता है? हेल्थफुल होता है स्वास्थ्य। लिविंग का मतलब जीवन, ठीक है। हेल्थफुल लिविंग स्वास्थ्य जीवन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वन, मीनिंग एंड कंसेप्ट, CONCEPT, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। मीनिंग मतलब स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ एजुकेशन इज प्रोफेशन ऑफ एजुकेटिंग पीपल अबाउट हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रिंसिपल बाय द विच इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल लर्न टू बिहेव इन ए मैनर्स कंडक्टिव टू द प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एजुकेटिंग पीपल, जो मतलब पढ़े लिखे लोग है, उसके बारे में, हेल्थ के बारे में बताते हैं। हेल्थ एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रिंसिपल बाय द इंडिविजुअल्स। जो हेल्थ एजुकेशन है वो व्यक्ति जो है उसकी इंडिविजुअल प्रिंसिपल के बारे में, और ग्रुप्स के जो ग्रुप है, पीपल्स के जो ग्रुप्स है, उनके बारे में बताता है, ठीक है। दिस इज ए मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसकी मैंने एक और मीनिंग भी है। हेल्थ एजुकेशन इज एनी कम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इम्प्रूव देयर हेल्थ बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग देयर एटीट्यूड्स। दिस इज मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारा जो क्वेश्चन था मीनिंग of health education is complete. Next a concept of health education. Concept of health education. The ultimate goals of health education is improve the health of individuals and community level. Anyone needs health education, to young and old men and women, educated and literate, as it works into improve the awareness and rise the level of interest kya hoti hai, ruchi, and awareness among all segment of society मतलब समाज,
जो हमारे चारों तरफ समाज है उसको बोलते हैं सोसाइटी, है ना। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर वन, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसमें पढ़ा कि हेल्थ एजुकेशन होता क्या है, इसका मीनिंग पूछा था, एंड कंसेप्ट क्या है इसका हेल्थ एजुकेशन का, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन दे देंगे। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देनी है कि हेल्थ एजुकेशन होता क्या है, उसके बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे जरा इंट्रोडक्शन क्या है। हेल्थ एजुकेशन लाइक जनरल एजुकेशन इज कंसर्न विद द चेंज इन नॉलेज, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ पीपल। इन इट्स मोस्ट बिहेवियर ऑफ पीपल इन इट्स मोस्ट यूजुअल फॉर्म, इट कंसर्न्ड ऑन डेवलपिंग सच हेल्थ प्रैक्टिसेस एज आर बिलीव टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ वेलबींग। WHO ने ये परिभाषा दे रखी है कि हेल्थ एजुकेशन क्या है। द प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड्स हेल्थ इज नो डिब्यूट द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, बट इन मोस्ट केस द चाइल्ड एंड हिज फैमिली डू नॉट नो सर्टेन एसेंशियल ऑफ हेल्थ, दे आर इनडिफरेंस इन यूटिलाइज द मेडिकेस्ट फैसिलिटी ऑफ द कम्युनिटी एंड टू ऑब्टेन द नीडिड मेडिकल केयर इज नॉट एट टाइम डेंजरस। ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसकी हमने इंट्रोडक्शन दी। नेक्स्ट जो है हमारे पास एम, एम क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम क्या होते हैं, एम एक फिक्स पॉइंट है जो हमने एम रखा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने 10th क्लास की बोर्ड की परीक्षा दी है, उसमें आपने एम रखा है कि हम 97% मार्क्स को अचीव करना चाहते हैं। दिस इज ए गोल, 97% इज ए गोल। ठीक है, गोल ये हमारा एम है, उद्देश्य एम है, लक्ष्य है, ये हमारा यहाँ तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव जो हमने 97% मार्क्स जो हमने प्राप्त करने हैं उसके लिए जो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पार किए हैं, दिस इज ए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे आपने बुक्स पढ़ी, नोट्स बनाए, उसको रीड किया और उसके बाद एग्जाम दिए और उसके बाद रिजल्ट आया, दिस इज ए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको हम एक एक करके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एम क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट देखो, द एम ऑफ इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन टू चिल्ड्रन इज मेनली टू हेल्प देम डेवलप ए साउंड फिजिक एंड ऑल्सो टू इक्विटेंट देम विद द लॉ ऑफ हेल्थ। हाईलाइटेड बिलो आर ए फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इसमें जो बोल रहा है, जो एम एम है, इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन मेनली टू हेल्प देम डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट साउंड फिजिक एंड आल्सो इक्वेंट देम विद द लॉ ऑफ हेल्थ। हाईलाइटेड बिलो आर ए फ्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जैसे फर्स्ट टू
क्रिएटिव ए, जैसे देखिए आप जो फर्स्ट हमारे पास है टू, क्रिएटिव ए डिसेबल डिस्क्रेबल हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड हेल्थ हैबिट, ठीक है, हैबिट होती है आदत। नेक्स्ट है टू डेवलप द हेल्थ एटीट्यूड्स, ठीक है। थर्ड टू एप्लीकेट द हेल्थ प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द स्कूल एंड कम्युनिटी कम्युनिटी होता है समुदाय, एंड टू इम्प्रूव द स्कूल एंड कम्युनिटी एंड टू इम्प्रूव द नेसेसरी मटेरियल्स ऑफ द एग्जीक्यूट ऑफ दैट प्रोग्राम। नेक्स्ट टू डेवलप हेल्थ कॉन्शियसनेस इन द स्कूल एंड इन द कम्युनिटी, स्कूल एंड कम्युनिटी की जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टू टच पीपल्स द रूल ऑफ द प्रिवेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ठीक है। जो हमारे पास सिक्स्थ है टू क्रिएट, क्या है,